मैं सजाद आलम घर मड़वा टोला सिवलिया थाना नौतन जिला पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। हम लोग के जिला में बहुत बेरोजगारी है, बहुत हद तक बेरोजगारी है। 10-10 साल पर भर्तियां निकलती है और उसके बाद उसको गुम कर दिया जाता है। हम लोग भर्ती 2011 होमगार्ड भरे थे, उसका आवेदन मांगा गया था। हम लोग वहाँ फॉर्म फिलअप किए, फॉर्म फिलअप करने के बाद हम लोग के जिला का बहाली का डेट अभी तक भी नहीं आया। बाकी सारे ज़िले में हो गए हैं, 2-4 जिला ऐसा है जहाँ होमगार्ड का भर्ती अभी नहीं हुआ है। हमारे ज़िला में भी बहाली का डेट अभी कोई सूचना नहीं है। हम लोग धरना पर बैठते हैं, सर बोलते हैं कि अगला माह में होगा, इसके बाद आइएगा तो आपका बहाली का डेट क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ले कोई सूचना इसका नहीं मिला। हम लोग एकदम बेरोजगारी से भूखे मर रहे हैं, हम लोग बाल बच्चा भूखे मर रहा है, हमको कोई रोजगारे नहीं है कि हम लोग रोजगार करें। आपकी बहाली 2011 में निकाली गई है? 2011 में निकाली गई है। अच्छा, अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई? प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इस संदर्भ में कहाँ कहाँ मुलाकात हुई है किसी अधिकारी के पास? हम लोग डीएम सर के पास भी गए हैं, डीजीपी से भी मिले हैं, मुजफ्फरपुर जो हम लोग कमिश्नर हैं वहाँ भी गए हैं। कोई भी सूचना हम लोग अभी तक नहीं मिलता है। यही होता है कि हम लोग को बहाली किया जाएगा, अगले महीने में आइएगा, अगले महीने डेट निकाल दिया जाएगा, ऐसा ही होता है, लेकिन बहाली अभी तक नहीं हुआ हम लोग।